साधु, क्या हाल है? हाल जी पूछ क्या बोला? शरीर लूंज पड़ी थी, धंधा लूज, सुरती खाए के तबाह हो गया ही, बीड़ी पी चवन्नी पैसा ना आएगा, कैसे होई? क्या सोचे हो? समझ नहीं आ रहा है। एक जुगाड़ देखे ही आज। कौन जुगाड़ देखे हो? ये गौना मगर है नेवता खा भंडारा रहा। ये राम बहादुर मौर्या जो है उनके यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, सजेन जाए कोने बैठे रहे कुआ लाए जहाँ पनिया देत रहे, चुपकर देखा तही इतनी भीड़, इतनी भीड़ रहा है, जवन बढ़िया बढ़िया पत्र लिया यहाँ खाए खाए वही पीछे फेंके यहाँ। हमारा विचार है कि आज रे हम हूं तो हूँ, चले हम हूं तो हूँ, चुप्पे से पतरी से बिल ले फेंकी बा धोए के बेच दिन जाए, वही पतरी धो के बेचेंगे। पहले चले सरदार जी के पास, फिर उसके बाद सोचेंगे, समझे? आइए चलो। सरदार जी जय भगवान। सरदार जी जय माधवन। श्री माधव तू देख रहे हैं यार, क्या बात है? देख कर चौंक गया। साथी आज ही नहीं बल्कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं, हम लोग जब भी सरदार जी सामने आते हैं क्या देखता हूं, उनका चेहरा उदास रहता है, उनके चेहरे की लालिमा खत्म हो गई होती है, और आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए कौन ऐसा कम है जो इन्हें सता रहा है। मेरा विचार तो यह है कि आज इस उदासी का कारण सरदार जी से पूछा जाए। श्री बहादुर आज सरदार जी से पूछो कि उदासी का कारण क्या है। क्या है? जब तक नहीं बताएंगे हम लोग उनका पैर नहीं छू, बिल्कुल नहीं छूएंगे। चलो सरदार जी, ये ना चीज गुलाम आपसे कुछ बात पूछा जाता है, आपका आदेश हो तो हम पूछे, अन्यथा ना पूछे। सरदार जी हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आज ही नहीं बल्कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आपके सामने जब भी हम लोग आते हैं क्या देखता हूं, आप उदास रहते हैं, आपका चेहरा मुरझा रहता है, आखिर क्या बात है? सरदार जी कौन ऐसा गम है, कौन ऐसी बात है जो आपको दिल को खटका रही है? ये राज को आज आपको हम लोगों से बताना होगा, अगर आप जब तो नहीं बताएंगे हम साथी समेत आपके पांव को नहीं छोड़ेंगे। शिव बहादुर तू ये जानना चाहता है कि मैं आए दिन उदास क्यों रहता हूं? हम ये बात सुने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा ले रहे, ऐसा हो कि उदासी का बादल तेरे सर पे छा जाए। मुन्ना मेरे दोस्त, कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे, जब ये देश के दरिंदे इंसान को छीने पर मजबूर कर देते हैं वही इंसान मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है, ऐसी मेरी कहानी है मुन्ना। मैं धारा नगरी का रहने वाला था, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था मुन्ना, मेरी माँ माजी का नाम सुशीला देवी था, मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती था मुन्ना, और उससे छोटी एक मेरी बहन जिसका नाम सपना था, और मैं मेरा नाम ही था मुन्ना।
मेरे बाबूजी गरीबी से लाचार दादाजी के जमींदार बाबू बादल सिंह साले के यहाँ काम करते थे मुन्ना। मजबूर होकर के एक दिन उस जमींदार से 500 रुपए कर्ज लेकर के अपने घर अपने बच्चों को खिलाने के लिए आए मुन्ना। बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई और होली का त्योहार था, अरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मेरे घर में मातम सा छाया था मुन्ना। जानता है क्यों? क्योंकि होली एक अजीब सा त्योहार होता है। अरे घर में हर एक चीज की खुशियां थी और मेरे पिताजी इतना लाचार थे कि उनके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था मुन्ना। बाबूजी झोपड़ी के सामने बैठ कर के रो रहे थे, हम तीनों बहन भाई उन्हीं के पास बैठे थे मुन्ना। माँ देखती है उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता मेरे भाई। त्योहार के दिन माँ गांव में मांगने के लिए चली जाती है कि मैं जाऊं गांव से कुछ मांग करके लाऊं और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दूं मुन्ना। माँ गांव में चली जाती है, इतना चरित्र सारा मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगता है। जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता वो दूसरों का कर्ज कहाँ से चुका सकता है मुन्ना। बाबूजी उस जमींदार का पैर पकड़ के रोने लगे कि जमींदार साहब मैं आपका कर्ज इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन वो कुत्ता साला मेरे बाबूजी पे रहम नहीं खाया मेरे भाई। अपने राइफल को लौट कर जब मेरे पिताजी को गोली मार दिया साला। बाबूजी की लाश जमीन पर गिर करके तड़पने लगी और मां गोली की आवाज सुनकर के गांव से भागती हुई अपनी झोपड़ी पर आती है तो देखते है कि बाबूजी की लाश जमीन पर तड़प रही है। मेरी माँ उस जमींदार का पैर पकड़ के रोने लगी कि बाबू साहब ये आपने क्या कर दिया, लेकिन वो कुत्ता साला मेरी माँ पे भी रहम नहीं आया मुन्ना। अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसे चलते हुए आग में मेरी माँ को उठा करके मेरे दोस्त ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ। उस वक्त अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था, मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया मुन्ना। ना मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुलती तो मैं डाकू के खेमे में रहता हूँ। सरदार जी ने मुझसे कहा कि देख बेटा हीरा, अगर तू इस दुनिया में जीना चाहता है तो भूल जा कि तेरा नाम हीरा है, क्योंकि अगर आज तू अपने गांव को लौट करके जाता है तो गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे मुन्ना, यही कहेंगे कि अरे हीरा तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा लिया और तू चैन की सांस ले रहा है। उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं इस बंदूक के दाने को अपने हाथ में उठाया और ये समझ लिया कि आज से ये हीरा मर चुका है मुन्ना। उस दिन से मेरा नाम डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह। ये गंगा सिंह जिस दिन इन बंदूक को उठाया उसी दिन से ये कसम खाया है कि आज के बाद अगर कोई जमींदार किसी गरीब को सताता हुआ मिल जाएगा तो मैं कसमूं उसके जिस्म की एक एक बोटी नोच करके फेंक दूंगा मुन्ना। मेरा पेशा है
अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है मुन्ना। आज जब मेरे गांव से किसी बहन बेटी की डोली जाने लगती है तो अपने माँ बाप से सबसे पहले यही कहती है कि माँ मेरे भैया गंगा सिंह को बुला दो। ये गंगा उस बहन की विदाई ले जाता है और उसे ये वचन देता है, ये बहन जा, अगर जबरदस्ती तेरे ससुराल वाले या तुझे इस दुनिया से मिटाना चाहा तो कसम ये तेरा भाई सारे गांव को आग लगा देगा रे। इसी सोच में मैं हमेशा उदास रहता हूँ श्री बहादुर। क्या नाम बताए उसका? जमींदार बादल सिंह, गंदी नाली का कीड़ा हरामखोर, कुत्ता कमीना सारा, अपने को मर्द बनता है। ए बादल सिंह साले, तुझे अभी मेरे किसे नहीं पता होगा मैं कैसा इंसान, कितना खुखार इंसान हूँ। अरे जमींदार, मेरा नाम सुनेगा ना तेरा पजामा गीला हो जाएगा रे। ए बादल सिंह अपने को मत बनता है, आ जा बे, आ जा साले। ये नहीं जानता मेरा नाम क्या है? सर बादल सिंह मेरा नाम सुन, ये चीज सुनी ये सोवाट वाट जी योर नेम। आप मेरा नाम सुनना चाहते हैं? सर माई नेम इज यच यम लोहा सिंह। ए बादल सिंह, ये यच यम लोहा सिंह जिस वक्त रात में 12 बजे अपनी गुफा से बाहर होता है, गांव की ओर जाता है, तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि ये वो वक्त आ गया है, ये सिम लोहा सिंह के आने का वक्त हो रहा है। अगर 12 बजे रात में किसी बच्चे को पेशाब लगती है, बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं पेशाब करूंगा, उसकी माँ डांटती है, हरामखोर इस वक्त तुमको पेशाब लगनी थी, जाना नहीं, ये वक्त किसका है? ये वक्त जिससे मनोहरा सिंह का है। बच्चा जिद कर देता है, बोलता है मम्मी ले चलो बाहर, नहीं मैं यही कर दूंगा। तो मम्मी उसकी डरते हुए सहमे हुए बच्चे को बाहर लेके आती है और चुपके से अधेरे में कहती है, मुदले बेटा, बेटा मुदले, मुदले बेटा, नहीं अभी यश मनोहर सिंह आता होगा तेरा सारा मूत पी जाएगा। तारीफ का फूल तो सराऊ इतना बांधे की हकीकत तो मनाई गए पैजामा ढीला हो जाए और लास्ट में सराऊ मूत पिए जाता है। मूत कहते हैं कि खून कहते हैं रे? कहा भाई गरम है, गरम है का लाइट चली तो हफ्ता पीला खा क्या दिमाग करो ना। ओ ए बाबा सिंह मर्द है बे, मर्द नहीं साले हिजड़ा है तू, आजा सामने आजा, मेरे हराम खोर अपने दूधे के माई पी हो आजा। दूधे का माई बे, माई दूध पागल साले कहीं के, माई का दूध पी ले बेटा, आजा आजा, इतना जूता साले मारूंगा, इतना जूता मारूंगा साले तेरे बाल में एक सर नहीं रहेगा। कितना होगा? पागल है सरवाही श्री बहादुर, आज तुम लोग मेरे साथ चलिए, मैं उस जमींदार के पास चलता हूँ जिसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया है। अरे तो सराऊ पिछुआ के भले गिर गया तू,
सारा ऐसा जा रहा है जैसे बगई के बाद सीधे खाओ ऐसा। बादल सिंह क्या रे इसको ले रहा है निशाना? अरे आज सारे किसी जगह में लाइट ना लगी तो तू निशाना लगा रहा है? नीचे का साले लाल पागल साला कहीं का शिव बहादुर आज तुम चलिए धारा लगे उस जमींदार के पास चलता हो जिसने मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया है। बादल सिंह अगर तेरा नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरी मां का तू धर्म है सारे आ रहा हो तेरे पास।
जय सारी बात छोड़, ये बता हम कैसे चले आते महारानी के आगे। काशी धाम के बात करते ही तो यहाँ पासी के बात काशी धाम बनारस प्रयागराज इलाहाबाद होते हुए हम चले आए कुटिया पे और देखे तो यही सफाई सफाई नहीं भाई बारे भक्ति करे मेरे कुटिया बने है बताओ माई हम तुहार कहाँ कहाँ करी सब भाई सब भाई साफ भाई साफ भाई नाम पहले लिया गया अब पीछे के ले जा रहे साफ सफाई के नाम पहले चल साफ सफाई मान ले गया कि कहीं दे आया तू कर हमारे कुटिया में तैयार रहेगा कि कहाँ से गिरे बारे से गिरे रहे गिरे चल सब बात छोड़ जितने भाई लोग बैठे हुए हैं माताएं बहने बैठी हुई हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं सबसे सबसे तू पहले मेरे बारे में बता दे हमारे बारे सब बताएंगे भाई हमारे बारे में बताए भाई मोर भाई के बारे में हम का हो सका था रोजन नहा तीन साफ सफाई का लोग ओ समझ गए हमारे माई के बारे में पहला नंबर नीक हो फिर जुमा पैली हो फिर किरणी लग गई ओकरे पास सारी गहने में चल बोली गई पारी गई भगवती का यह बताते हमने बारे में लिख जुआ चल बोलिया तो बोली मतलब हमारे विषय में हमारे मामले में हमार का नाम बा हमार का काम बा हम कहाँ के रहने वाली देखा श्री आप हमार मालकिन हैं हम तुहार नौकर रही देखा मारा हम तुहार नाम न ले पाऊ जितना भैया हरे बैठा है अपन नाम गाँव पर से बताए यह भाई हरा हाथ जोड़ते है भैया हरा अपन अपन खोल के तैयार रहे हमार माई दे जात बा क्या खोल तैयार रहे रे कनवा पगरी कनवा नाम ले दे कनवा अगर ना खोले मार पगरी तो है कहे चाहिए सब क्यों अपन अपन कान खोल के बैठे हमारे माई पैसे दे जाते नदी गाय कहते हैं अपन अपन खोल बैठे माई अपन अपन कान खोल बैठे माई हमारे पर्चे दे जाते नाम ले जाए रे चल भाई भाई अब बोले जी हम भाई के हरे से अपन पर्चे खुद बता दिए एक कल शब्द बोले जी एकदम मोहे सवाल नहीं करे चाहे हाँ बिल्कुल बोले जी हमारा जरूरी है बोले तू हाँ बोलो जी करे हम सीता मतलब हम अब जी बोले भगवती क्या नहीं था कहा था मुंह बंद कर खावा नहीं लाए पक 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 लगिया कायदल बढ़ जाते मार बासन हम काल है माजे है आसन मार के कद
समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, परेशानी प्रमोद बैठो। जब हमार विवाह भरा प्रमोद, हम कुछ दिन अपने ससुरे आएंगे। प्रमोद बैठो, हम कुछ दिन अपने ससुरे आए गए बेटा। यह जान ले कि ऐसा हमारा चढ़ी जाए। Thank you.
सोचा ही अपने भोला बेटवा की बिया है और कही थी, लेकिन ऐसे नहीं, पहले भोला बोलावा उसी पोती बिया करे की न करे, अगर बिया करते हो तो बिया कही दे। ठीक सवेरवा भोलवा उठा ना आएगी यात्रीगण, ये गाड़ी बोरीवली ती अंधेरी
अंधेरे ते बांद्रा, बांद्रा ते मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल ते चर्च गेट, अक्रहवत कर चालीस में जाए जेन, ये लोकल ट्रेन अपने किसी भी प्लेटफार्मों पर नहीं खड़ी होगी। यात्रीगण, अभी अभी सूत्रों के द्वारा है जानकारी मिली हुई है कि अधिक ठंड पड़ जाने के कारण ये मामा भांजा ट्रेन में एक्सप्रेस गाड़ी रद्द की जाती है। कृपया करके आप अपने अपने गोला बिस्तर बांध करके अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। ये रेलवे आकाशवाणी समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। योगी मोदी सरकार में नहीं रेलवे सूचना मंत्री भवाय हैं, आए हैं गौरागान में रेलवे विभाग पर जितना सूचना है दे जाए। अबे कौन सी ऐसी लोकल ट्रेन है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है? भाई हरा के मुंबई गवाह हुए, लोकल ट्रेन सब स्टेशन पर रुका था भाई। अबे बोलना कौन सी ऐसी गाड़ी है जो अधिक ठंड पड़ जाने के कारण रद्द की जाता है? ए भोला बे, कावा बे, जय राम बे। नहो सुनिल है, इस सड़क वैसे जर्मी करत हैं जिसे द्वारे और हम ले आए आगे। जय राम बे, ए भोला, जय राम बे। सारी जोड़िया कितना कहा सब क्या ही कहा यार, तुम लोग कमी ना आए बात सारे। ये बोलो हम भले बात, तू वही भले बात है। अब हम क्या कह पाते बाकी है हम भले बाकी ए Oh!
हल चाहे भाई साहेब हमऊ को बीड़िया जगाया भाई साहेब आज जब सवेर भवा ना आप उछेला चार पाई छोड़ के गए गौना उड़िया घूमा अरे भोला बड़ी हल्ला हो गई बे हल्ला ही हो गई गौना वाले कहा के हैं भोलवा कमाई भगवान से फांसी हमारे माई भगवान से ना फांसी बाँ हमारे माई हमसी फांसी बा गौना वाले कहत रहे भोलवा के माई भगवान के भक्ति ले भक्ति ले भगत हो गए भगत हो गए ना अब हमारे सके चलो प्रयागरा कुंभ मेले तो बीत गला नागालैंड दुई नागा उठ पीपर एक नीचे बैठ पकड़ा जाए आले तो पकड़ के खाना साल भगत हो गए अच्छा ए भोला आओ चल तो माई घोड़ा से हाँ तो माई घोड़ा भैया घोड़ा से ए भाग्य में ए भाग्य में अरे हमारे माई खोल कोलरी हो हमारे माई खोल कोलरी हो जाती हो यार कर बहु कर भाई पान भाई हरा हाथ जोड़त ही माई बहनियों हरा आप लोग से हाथ जोड़त ही भोलवा जितना बात बोलत बा सौ प्रतिशत सही बोलत बा गलत एक शब्द नए सोच आपन आपन है हमारे भोलवा कहे के मतलब है माई हमार दरवाजा खोल के उलरी हो तो मतलब पांग पता नहीं सर कोई बात पांग चल जाए बात बोले ए भाई ने चलो रे अब मेरा रू ले भाई अबले माय अब बन ऐसे मांगा के जैसे हम हलाल जेब में लेके ठहरत हैं तबे भोलवा तो का कहे जे हम ब्याह करब हम ब्याह कर देना चल ई बात अपने माय से कह चल माय के Thank you.
हम ही मोहन कुर्सी लगा के बैठी है। ये भारतीय काली घास घूम के